हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है और इसी बीच ये भी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं। शेख हसीना भारत आ गए हैं और हिडन एयरबेस पर मौजूद हैं। बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर कर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दे रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ढाका ट्रिब्यून के खबर के मुताबिक शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा भारत आ गई है। बांग्लादेश में हालत इस समय बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों को देखकर अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गई है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा रही है। बांग्लादेश में 48 साल बाद फिर से तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना फिर से अपने ही वतन से बेदखल हो गई है, जिसमें उन्हें छात्रों की आड़ में अराजकता फैला रहे कट्टरपंथी तबकों के सामने झुकना पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सह पर विरोधी दलों ने छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर शेख हसीना सरकार को निशाना बनाया और वे अपने इस मकसद में सफल भी रहे। सेना ने बांग्लादेश की जनता से अपील की है कि वो किसी तरह से हिंसा और अराजकता से बचें। सैन्य प्रमुख ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख क्या होगी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। इन सारी घटनाओं के बीच भारत के लिए एक सबसे बड़ी चिंता है कि वहां के 13 लाख के करीब हिंदुओं का क्या होगा। हसीना के बिना बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल चुका है। शेख हसीना पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के निशाने पर इसलिए रही क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथ पर लगाम लगाए रखा था। हसीना की सरकार में बांग्लादेश में उदारवादी विचारों को संरक्षण मिला, जिस कारण देश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। एक मुस्लिम देश होते हुए भी महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई। इस्लाम का स्वघोषित ठेकेदार पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम में उदारता से बहुत चिढ़ होती है। यही वजह है कि वह खुद वैश्विक आतंक का गढ़ तो है ही, उसने तरक्की करते बांग्लादेश को भी कट्टरता की आग में झोंकने की ठान ली। लेकिन अब 13 लाख हिंदुओं का क्या होगा? दोस्तों, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता जताई जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सेना से बात करें, क्योंकि वहां हिंदू दंगाइयों के निशाने पर हैं। शेख हसीना का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पिछले 15 साल से जब वह प्रधानमंत्री थी तो भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने अपनी तरफ से भारत जो चाहता था वह उसे दिया, चाहे वह कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, ट्रेड हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट को वहां से भगाना हो। और जहां तक पड़ोसी देशों में एंटी इंडिया सेंटीमेंट की बात है, तो बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी एजेंसी ये साजिश करती रही है। पर बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही प्रगढ़ हैं और वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट सफल नहीं हो सकेगा। मालदीव में देखें तो वह अभी वेलकम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद।